चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारियों में जुटे हैं। ये दोनों ही मुल्क दो मोर्चों पर भारत को फंसाकर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साजिश का मकरजाल बुनने वाले चीन और पाकिस्तान इस बात से अनजान है कि भारतीय सेना अब परंपरागत युद्ध से ऊपर उठकर साइबर और स्पेस युद्ध लड़ने की क्षमता विकसित कर रही है, जिसकी एक झलक भारतीय सेना ने अपने 73वें स्थापना दिवस के मौके पर पेश की। भारतीय सेना ने एक नई ड्रोन आर्मी की वो तस्वीर पेश की जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत की इस नई ड्रोन आर्मी में एक साथ 75 ड्रोन आसमान में उड़ान भरते हुए दुश्मन को चारों खाने चित कर सकते हैं, दुश्मन के सैन्य अड्डों को तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, अब भारत इससे भी उन्नत एक ऐसी ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है जो आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकता है। देखिए भारत के ड्रोन व्यू पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुश्मन का काल बनेगा ड्रोन जाल, बीजिंग से इस्लामाबाद तक हलचल, भारत के ड्रोन व्यू से सनसनी। जमीन से आसमान में उड़ान भरता ये वो हथियार है जो दुश्मन को चारों खाने चित कर सकता है। मधुमक्खी की तरह एक साथ मिलकर आसमान से दुश्मन के किले में सेंध लगा सकता है। ये वो हथियार है जो सिर्फ सीमाओं की निगहबानी ही नहीं करता, बल्कि मौका पड़ने पर एक योद्धा की तरह आक्रमण कर जीत का परचम भी लहरा सकता है। आने वाले वक्त में जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना खुद को तैयार करने में जुटी है। परंपरागत युद्ध के साथ भारतीय सेना साइबर और स्पेस वॉर के लिए कमर कस रही है, और उन्हीं तैयारियों का नतीजा है ये ड्रोन आर्मी। मौका सेना दिवस का था, लिहाजा भारतीय सेना ने अपनी शक्ति दिखाने के साथ साथ अपने उस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम का शानदार प्रदर्शन किया जो दुश्मन के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। एक साथ झुंड में हमला बोलकर ये ड्रोन दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देते। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के अंदर सैकड़ों ड्रोन एक साथ टारगेट एरिया में जाते हैं, और उसके बाद वो जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता छिड़ता है, अलग अलग हो जाते हैं, और हर ड्रोन कुछ ना कुछ काम या टास्क करने के लायक होता है। एक मदर ड्रोन होती है जो कि अलग चाइल्ड ड्रोन, 4 या 10 चाइल्ड ड्रोन जो है वो रिलीज करती हैं। ये ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचते हैं और अपने दिए हुए टास्क को पूरा करते हैं। भारतीय सेना ने स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम पर पिछले साल अगस्त में काम करना शुरू किया था। सेना इस तकनीक पर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी,
कि शुरू में 5 ड्रोन के साथ इस तकनीक को शुरू किया गया था, लेकिन सेना दिवस के मौके पर इसे बढ़ाकर 75 किया गया, जबकि भारतीय सेना की योजना इस सिस्टम की तकनीक को उन्नत कर ड्रोन की संख्या 75 से बढ़ाकर 1000 तक करने की है। यही नहीं, भारत हवा से लॉन्च किए जा सकने वाले एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिससे दुश्मन के लड़ाकू विमानों को भी हवा में ही मार गिराया जा सकेगा। ये किलर ड्रोन्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे अपने हवाई जहाज या अपने पायलट को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है और इन्हें टारगेट से काफी दूर रिलीज किया जा सकता है। अमेरिका और फ्रांस के बाद ये तीसरा देश होगा जिसके पास ये अपनी स्वनिर्मित टेक्नोलॉजी होगी। एलएसी पर चीन की चाल और एलओसी पर पाकिस्तान की साजिशों के बीच स्वार्म ड्रोन सिस्टम भारत का एक ऐसा रक्षा कवच साबित होने वाला है जो सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि धावा बोलकर दुश्मन के हौसले पस्त कर सकता है। यही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भारत की ये ड्रोन आर्मी दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकती है, दुर्गम इलाकों में भारत की युद्ध नीति को धार दे सकती है, क्योंकि स्वार्म ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल हमला बोलने के अलावा युद्ध के समय दुर्गम जगहों पर हथियार और रसद पहुंचाने में भी किया जा सकता है। इस तरह की ड्रोन प्रणाली उस समय काफी अहम साबित होती है जब दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में तैनात जवानों तक हथियार और रसद पहुंचाना मुश्किल होता है। भारतीय सेना के मुताबिक स्वार्म ड्रोन सिस्टम में शामिल 75 ड्रोन एक बार में 600 किलोग्राम का वजन उठा सकते हैं। ये दुर्गम इलाकों में जोखिम के खतरे को भी कम करते हैं। भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है और भारतीय सेनाएं आत्मनिर्भर होकर ही दुश्मन का मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए भारत ने इंडिजिनस स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान सीमा से आतंकियों की घुसपैठ, सुरंग के जरिए हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई कर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कभी डोकलाम, कभी गलवान, तो कभी पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी विस्तारवाद वाली नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है। लद्दाख से सटी एलएसी पर बेहद ऊंचाई वाले पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए इन पहाड़ों की सुरक्षा करना टेढ़ी खीर से कम नहीं। यही नहीं, चीन के सैनिकों की घुसपैठ का खतरा भी बना रहता है। लेकिन स्वार्म ड्रोन सिस्टम को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि भारत की ये नई ड्रोन आर्मी करीब 4000 मीटर की ऊंचाई तक जाकर 15 किलोमीटर के दायरे की सर्वेलेंस कर सकती है। इन ड्रोन से पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी एलएसी की रखवाली भी की जा सकती है। स्वार्म टेक्नोलॉजी डेवलप करके भारत दुनिया के चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अभी तक अमेरिका, रूस और चीन के पास है, लेकिन हमारा सिस्टम देश में निर्मित होने के कारण ज्यादा मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, तो शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। भारत को घेरने की रणनीति बनाते दोनों देश अब हिंदुस्तान की इस नई ड्रोन आर्मी की आहट से सहम उठे हैं। यही नहीं, सेना दिवस पर भारत के शक्ति प्रदर्शन और थल सेना अध्यक्ष के चीन और पाकिस्तान को चेतावनी से भी ये दोनों मुल्क सहम उठे हैं कि अगर सीमा पर कोई भी दुस्साहस किया तो अंजाम बुरा, बहुत बुरा होगा। भारत अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करने के साथ आधुनिकीकरण पर भी जोर दे रहा है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ विदेशों से ऐसे घातक हथियार आयात कर रही है जो चीन और पाकिस्तान की साजिशों को मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान FATF की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हुए नए आतंकी संगठन खड़े कर रहा है। सेना दिवस पर भारत का शक्ति प्रदर्शन। चीन पाकिस्तान को
भारत की चेतावनी। बॉर्डर पर गुस्ताखी महंगी पड़ेगी। भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस हिंदुस्तान के पराक्रम और बढ़ती ताकत की तस्वीर पेश करता नजर आया। सेना दिवस पर भारत ने ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया जो दुश्मन देशों के नापाक मंसूबों को धूल में मिला सकते हैं। तो इनमें शामिल थे T-72 टैंक, T-90 भीष्म टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, सम विजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। तो सेना दिवस के मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। चीन और पाकिस्तान का नाम लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान के धैर्य की परीक्षा लेना बड़ी गलती साबित हो सकता है। यही नहीं, थल सेना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सेना आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक स्कीम के जरिए हमने 38 स्कीम के अंतर्गत लगभग 5000 करोड़ के हथियार और सामान की खरीदी की है। इसके अलावा कैपिटल प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इस साल तकरीबन 13000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को अंजाम दिया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान को आगाह कर दिया है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत की शांति में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान FATF से बचने के लिए अब नई चाल चल रहा है। उसने अपने पुराने आतंकी संगठनों को फिलहाल शांत कर नए आतंकी संगठन खड़े कर दिए हैं। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इन आतंकी संगठनों के मुखिया भी जम्मू कश्मीर के ही आतंकियों को बनाया है जो इस समय POK में सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स की कमान नसरुल्ला मंसूर उर्फ मंसूर लंगड़ेयाल को बनाया गया है जो कभी हरकतुल जिहाद इस्लामी संगठन का डिप्टी चीफ था और जम्मू कश्मीर में सक्रिय था, जबकि तहरीके मिल्लत इस्लामी के मुखिया का काम सज्जाद शहीद को दिया गया है। वो भी जम्मू कश्मीर में हरकतुल मुजाहिदीन का चीफ रहा है और इस समय POK में है। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी ग्रुप हैं, वहां पर नए ग्रुप खड़े किए हैं और जो पहले से काम कर रहे थे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, उनको कुछ देर के लिए अपनी गतिविधियां कम करने के लिए कहा है। ये चाल सिर्फ FATF को धोखा देने के लिए है। तीन नए बनाए गए आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को POK से भारत भेजने के लिए पाकिस्तान घुसपैठ के नए नए प्लान बना रहा है। इसके लिए चीन की सेना भी पाकिस्तान की कायर फौज की मदद कर रही है। LOC पर बाजवा ब्रिगेड को चीन सेना से हथियार और ड्रोन मुहैया करवाए गए हैं ताकि वो सीज फायर को ज्यादा तेज करे और लेह लद्दाख में चीन की सेना पर भारतीय सेना का दबाव कम। LOC पर फायरिंग बढ़ी हुई है, अगर सीज फायर हो रहे हैं उसके पीछे चीन का हाथ है। चीन पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है, चीन पाकिस्तान को असलाह दे रहा है कि वो LOC को गर्म रखे, LOC पर अपनी कार्रवाई तेज करे ताकि वहां पर डिप्लॉय जो भारतीय सेना है भारत उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ ना कर सके। पाकिस्तान चाहे लाख साजिशें रचे,
लेकिन भारत का ऑपरेशन ऑल आउट उसके पालतू आतंकियों का काल बना हुआ है, जिसकी तस्दीक करते हैं ये आंकड़े। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2019 में 152 आतंकी मार गिराए थे, जबकि 2020 में दिसंबर तक ये आंकड़ा 221 तक पहुंच गया। 2019 में सुरक्षा बल ने 43 आतंकियों को पकड़ा, जबकि 2020 में 47 आतंकी पकड़े गए। 2019 में 3 आतंकियों ने सरेंडर किया, जबकि 2020 में 11 आतंकियों ने सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर में इस समय जो आतंकी मौजूद हैं उनकी संख्या 270 के करीब है, जबकि 2019 में ये संख्या 421 थी। सीमा पार पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर इस समय 336 के करीब आतंकी घुसपैठ के लिए इंतजार में हैं, जबकि 2019 में इनकी संख्या 550 से ऊपर थी। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस बार सीज फायर की घटनाओं में 400% तक का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकियों को भारत की सीमा में धकेलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सेना की मुस्तैदी से उसकी ये साजिश नाकाम हो गई। तो शायद यही वजह है कि FATF के दंड से बचने के साथ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नए आतंकी संगठनों की नींव रखनी शुरू कर दी है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की जगह TRF, JKGF और TMI जैसे नए आतंकी संगठन खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें कश्मीर मूल के लोगों की भर्ती कर पाकिस्तान एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। भारत पर आतंकी हमला और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। यही नहीं, 26 जनवरी से पहले भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में भी है। और पाकिस्तान हमेशा फिराक में रहता है, किस तरह से घुसपैठ करा के आतंकियों को भारत के अंदर भेजा जाए ताकि वहां पर कोई बड़ी वारदात कर सके। लोकल टेररिस्ट को गाइड करने के लिए, उनको लीड करने के लिए फिराक में रहते हैं कि कुछ पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट भारत में भेजे जाए। पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान भारत में आतंक का जहर घोलना चाहता है, लेकिन इमरान खान अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पहले से ही कंगाली की दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके दोस्त मलेशिया ने भी झटका दिया है। मलेशिया की सरकारी विमानन कंपनी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 पैसेंजर प्लेन को जब्त कर लिया। विमान लीज पर लिया गया था और पैसा ना चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या इमरान खान को अपने मुल्क से ज्यादा आतंक की पैरोकारी पसंद है।